अभी मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को मोटर व्लॉगिंग में ना प्रॉब्लम क्या हो रहा है। चटनी का बताओ सर, बोले क्या बस का पसंद आता कभी वाड़ला है ना ऑलरेडी। अच्छा एक सेकंड अजून सारे कपड़े के करके हैंग कर दिया भाई। गुड मॉर्निंग जी, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग पे। आप सब लोग काफी ज्यादा अच्छे हो गाइस। और कल ना मैं एक्चुअल में मजाक में मोटो ब्लॉग का सेटअप कर दिया भाई आधे से ज्यादा पूरा, और ये काफी ज्यादा कूल दिख रहा है। सिर्फ दो तीन चीज की वजह से ना हम लोग फेल हो रहे हैं। जो कैमरा को जो चेन माउंटेड रहता है ना, मतलब जो कैमरा को एडजस्ट करता है अगर गाड़ी चलाते टाइम कैमरा वगैरह अगर ऐसा हिलना चाहिए, तो मेरा कैमरा क्या हो रहा है ना मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। अभी सुबह तो टाइम हो चुका है, सुबह सुबह जाने कैमरा। हाँ कल तो दो दो तीन तीन बार गिरा ले कैमरा और मेरे को मारे भी कुत्ते ऐसे। उसका नहीं, उसका कुछ नहीं, वो तो रहने दो फिलहाल बाजू में। तो कल इसमें सारा सामान वगैरह निकल के सारा मैंने सामान लगाया व्लॉग एंड करने के बाद। तो अभी देखते हैं, मैं तुम लोग को बता दो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वो अभी नहीं वो दोपहर में बताऊंगा एकदम लास्ट में। सो बिना टाइम वेस्ट किए सैटरडे चलते वो वाले घर पे, जितना काम कर सकते एक घंटे में मैं और मेरी प्यारी मम्मी। मम्मी चला लौकर 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 मम्मी को वाले घर पे ड्रॉप करके आ गया हूँ फिलहाल, और चलता हूँ वैन लेकर फटाफट, क्योंकि एक से चार छः बजे ना मैं और मम्मी जा रहे हैं वाले घर पे आजकल। क्योंकि सीन क्या है ना, मैं जल्दी उठता हूँ बट कैसे है ना मम्मी के लोअर बैक में ना पेन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया भाई। मतलब रोज ब्लॉगिंग में कितना बोलूँ उतना कम है, पेन उतना ज़्यादा है। तो तुम लोग सोचो मम्मी के अच्छे अच्छे एक्सरे वगैरह हुए लोअर बैक को लेकर, और अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास जाके ना मम्मी ने इंजेक्शन और मेडिसिन चाले मम्मी के। सो समझ सकता हूँ मैं वो चीज़, और तुम लोग को भी पता है। तो कोई ना चलता हूँ वाले घर पर, मेरा टाइम वेस्ट किया भाई, गाड़ी चालू हो जाओ। जय श्री राम, लेट्स गो। मुझे जहाँ तक पता है ना रामा भाई ने इडली डाल दिया भाई, और हाँ डाल दिया है। इडली को निकलता हूँ सेकंड टाइम डालता हूँ फटाफट, और वैन तो लेके आ गया हूँ। सो मुझे नहीं पता अपना दौड़ भाई ना कभी खुद से उठने का सीखेगा, क्योंकि उसको ना हम लोग रोज उठाते हैं भाई, कभी खुद से उठेगा नहीं, क्या ही कर सकते अभी हम दौड़ में। अरे एवडो ले नको उपमा यार, पापा ले आइए भाई। सुबह सुबह डैडी ने उपमा खिलाया प्यार से इतना सारा। आज जो डैडी ने उपमा बनाया ना भाई, मजाक नहीं करूँगा, बहुत क्रेजी बना है। तो इडली आने के लिए टाइम है अभी तक ना, शहरी गहरी बैग वगैरह पेपर वगैरह ना सब कुछ हैंग कर देता हूँ, बाद में अगर टाइम वेस्ट होगा नहीं। और गैस स्लो कर रहा था करके अपना ओल्ड स्कूल एकदम, पानी वगैरह डाल के ना इसका अभी प्रेशर एकदम बढ़ गया है। तो करते हैं काम स्लो स्लो करते हैं, और ट्राई करके गाड़ी 7-10 तक लेके जाने का। फाइनली इडली डाल के हो चुका है, और सेकंड टाइम में मैंने डाल दिया, और नॉर्मली ना सारे पार्सल के कैरी बैग जितने भी है सारे हैंग करके हो चुका है। तो सांभर वगैरह सब कुछ बन गया, चटनी आ गई क्या हमें अलग आ जैसे चटनी चेक कर लो, चटनी आ गया ले गया भाई। लाल चटनी के लिए और 5 मिनट लगेगा, वाइट बन ले वाइट काटूगा जरा सारा घास, वाइट चटनी आ गया। जो 7 बजने के लिए और 5-10 मिनट है, 5-10 मिनट में काम होना चाहिए, 7-10 को भी गाड़ी उधर जाके लग गई ना बस हो गया भाई। क्या बोले मम्मी, बात तो सही है बात, मम्मी बोल रही है कि इतना तकलीफ में रहने के बाद भी मैं काम कैसे कर रही हूँ मुझे पता है। तो मम्मी को पता है, हमको पता है, तुमको पता है, ये पत्थर का चटनी कैसे साफ करना पड़ता है, ये और ये साइड का, ये साइड का, ये हाँ नहीं बन पाएंगे तुम कभी भी। मम्मी को सिर्फ कंटेंट मांगता, लड़का को कुछ गलत करता नहीं कहता, लगे पता नहीं का। है क्या ना मम्मी तुम्हारी लड़की बहुत बड़ा तीर मारने वाली,
हाँ दोनों मिल के मारे ले मेरे को, बहुत भारी समझ रहे क्या खुद को, उसको टोचन देखो आज कैसा है, तू कैसा टोचन देता देखो ना देखो। हाँ क्या करेंगे उसको मारेगा तो मैंने डरता भाई। चाय बन गया क्या, बोलो फटाफट खा के जाता आ दो जल्दी दो चाय बिस्किट, बिस्किट किधर है, बिस्किट दे दो भाई उपमा के लिए। सुबह सुबह उपमा मैं पूरा नहीं खाया भाई, मेरे से नहीं जाता उपमा खाने का। यार देना आइसक्रीम थोड़ा खाने दे, कल मेरे पैसे से इतना लूटी उधर जाके कच्ची दाबेली खा रही, जलेबी खा रही, उसका क्या तो थोड़ा खाने दे, रुक आना उसको खाने का आइसक्रीम। फेवरेट आइसक्रीम है ना तुझे, इसको पता चल गया लूसी को मैं उसको आइसक्रीम देने वाला हूँ, ये थोड़ा सा बच्चा हुआ वो देखो कितनी खुश हो चुकी है। मैं खाऊ मैं खाऊ, अरे बाप रे, नहीं 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 बस खाली सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन, इसका सबसे फेवरेट है भाई लूसी का, ये देखो अल्लाह बाबले अल्लाह बाबले। लूसी को कभी तुमने आइसक्रीम खाते हुए देखा नहीं ना, ये देखो भाई नीचे रख के खा, नौकर ने तेरा खा नीचे रख के पूरा। अरे बाबा घर किती घेतलीस पैसे देऊ ना, पैसे चल मी देतो, हाँ मी देतो, चले मम्मी के पास जाने का ये लेके चल घऊ अभी, चल पकड़ चल जल्दी जल्दी चल चलो कुछ नहीं करेंगे आउट, चल जल्दी चलते हैं भाई वाले घर पे मम्मी के पास, और काम तो हो गया और तुमने देखा भाई कैसी बात लगी है, चल यार जल्दी चल आ गए वाले घर पे, मम्मी का तैयारी चल रहा है संडे का और ऑलमोस्ट मम्मी का भी ना सारा काम हो चुका है। और क्या अरे अरे और डाल रही क्या, मेरे को लगा हो गया सच्ची में बोल रहा हूँ फिर तुमने मेरा कुछ नाटक नहीं, मेरा दिमाग घुमा डाले उधर धंधे पे सब लोग ने। हाँ नहीं तो क्या, उधर वाले घर पे ना भाई कल से पानी नहीं है, अभी मैं इधर ही ना गया ना वाले घर पे जाऊंगा और अपना जो काम है ना वो करूंगा मैं। ये नहीं पता आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है, पिछले एक हफ्ते से ना मुझे ना दोपहर में जब भी ब्लॉग एडिट करने बैठ रहा मुझे काफी ज्यादा जोर से नींद आ रही है भाई, और मैं रोज अभी ना दो ढाई घंटा सो रहा हूँ, मुझे नहीं समझ रहा क्योंकि मेरा ना शेड्यूल मैंने चेंज कर दिया और क्या ही बताओ, मतलब अभी नींद लग रही है भाई, तो अभी नींद में से उठने के बाद ये ब्लॉग एडिट करता हूँ, क्या करूँ। देखो यार नहीं हो गया क्या, तुम मेरा ये भगा रहे आज देखो, उसमें देख रहे देखो ऐसा भी वो चालू है वीडियो चलाओ क्या, हम लोग का यूट्यूब पे आता वीडियो ब्लॉग बनाते, मेरा भाई बनाता बालाजी भी बनाते पहले पे चल जाएंगे चलाओ। तो गाइस अभी जस्ट मैं आई थी हार लेने, क्योंकि हार नहीं था और मम्मी को चाहिए था हार, क्योंकि मम्मी ना मंदिर में पूजा कर रही है और मेरे भाई के लिए और शेक लेना है वो लेने जा रही हूँ, और मेरे लिए भी कुछ लेना है, आपको मैं ब्लॉग में दिखाऊंगी सब, अभी बता दूंगी तो दिखाने का कुछ फायदा नहीं होगा। ओ सॉरी मैं वहाँ पे ब्लॉग नहीं कर पाई, मैं वहाँ पे क्या हाँ ओरियो शेक ले रही थी, बट वहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, ये नल्ले इंसान को देखो नंगा पुंगा हो गया घूम रहा है इधर उधर, नंगा पुंगा शर्म ना थी का भाई को ऐसा दिखाने, पागल एड़ी लड़की दे कोई भी एड वगैरह मेरे को मेरा ओरियो शेक दे बिना टाइम ओरियो शेक पिला जो मैं तुम लोग इतना देर से बात कर रहा था ना भाई हेलमेट के रिलेटेड, अभी मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को मोटर व्लॉगिंग में ना प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि ये डीजे का कैमरा उधर लगने वाला है। सो फाइनली हमारा एक्शन प्रो कैमरा जो है डीजे का वो हेलमेट के लॉक माउंट हो चुका है एकदम अच्छे से। प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना अभी मैं तुम लोग को दिखा दो, दिक्कत क्या हो रहा है, जब भी मोटर व्लॉग करेंगे ना हम लोग कैमरा हमारा एकदम ऐसा रहता है और स्टेबल रहता है, और जब भी मैं ऐसे नीचे मुंडी कर दूंगा ना चलाते वक्त गाड़ी तो ये कैमरा ना ऐसे नीचे गिर रहा है भाई, जो कि कैमरा लिटरली कैमरा हमारा रहना चाहिए एकदम ऐसे। तो ये माउंट का ना ये जो माउंट है ये मेरे को नया लेकर आना पड़ेगा दूसरा कुछ, और अभी ये दो चीज इसके इम्पोर्टेंट है, जो ये लगेगा इधर टाइप सी के इसमें और उसको कनेक्ट हो गया, ये माइक जाएगा अंदर के साइड में। सो मुझे नहीं पता कितना सक्सेस होगा और पूरा ट्राई करूंगा ना न्यू ईयर तक ना मैं मोटर व्लॉग करने का पूरा ट्राई करूंगा गाइस। सो फिलहाल तुम लोगों ने देख लिया सब कुछ, आई होप तुमने अभी तक मेरा व्लॉग देख लिया, अगर देख लो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, मिलता हूं नए व्लॉग के साथ।